बिसमिल्ल रिहिम् अल्लम नाजरन आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु स्पोर्ट्स नाजरीन क्रिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ कि आई सी सी वर्ल्ड कप दो हज़ार तेईस के ग्यारहवें मैच में न्यूज़ीलैंड ने बंग्लादेश को आठ विकटों से शिकस्त दे दी इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली न्यूज़ीलैंड ने बंग्लादेश का दो सौ छियालीस रन का हदफ़ तैंतालीस इशारे पाँच ओवरज में दो विकटों के नुकसान पर हासिल कर लिया चेन्नई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी बांग्लादेश ने मुकर पचास ओवर में नौ विकटों के नुकसान पर दो रन बनाए नाजरीन आई वर्ल्ड कप दो के ग्यारह मैच मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल पर टीमों की क्या सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। न्यूजीलैंड ने तीन मैच खेले हैं तीनों मैच जीते हैं और उसके छः पॉइंट्स हैं और न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले दोनों मैच जीते और उसके पॉइंट्स की तादाद चार है इंडिया की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले हैं दोनों मैच जीते हैं और उसके पॉइंट्स की तदाद चार है पाकिस्तानी टीम चौथे नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले हैं दोनों मैच जीते हैं और पाकिस्तान के पॉइंट्स हैं चार इंग्लैंड की टीम पाँचवें नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले हैं एक मैच जीता और एक मैच हारा और उसके पॉइंट्स की तताद दो है बांग्लादेश की टीम छठे नंबर पर मौजूद है जिसने तीन मैच खेले एक मैच जीता दो मैच लूज़ किए हैं और बांग्लादेश के पॉइंट्स हैं दो श्रीलंका की टीम सातवें नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले दोनों मैच लूज़ किए और श्रीलंका का कोई पॉइंट नहीं है नैदरलैंड की टीम आठवें नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले हैं दोनों मैच लूज़ किए और उसका भी कोई पॉइंट नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम नौवें नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले हैं दोनों मैच लूज किए हैं और ऑस्ट्रेलिया का कोई पॉइंट नहीं है अफगानिस्तान की टीम पॉइंट टेबल पर दसवें नंबर पर मौजूद है जिसने दो मैच खेले हैं दोनों मैच लूज किए हैं और अफगानिस्तान का भी कोई पॉइंट नहीं है